दोस्तों आईपीएल साल 2021 का सीजन शुरू होने में बहुत ही कम समय रह गया है और आईपीएल का 14th एडिशन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है और सभी फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं आईपीएल के नए एडिशन का, जहां वो ज़रूर चाहेंगे कि उनकी फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे और उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करे। इसके अलावा आईपीएल की सभी 8 टीमों की तरफ से दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट्स और काफ़ी सारी न्यूज़ बाहर निकल के आती है, बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की और टीम केकेआर की तरफ से दिन भर में 3 बड़ी अपडेट्स बाहर निकल के आई है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन अपडेट्स के चलते केकेआर को क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है आज की वीडियो में। मैं आपको इसी टॉपिक के रिगार्डिंग A to Z सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जहां एक खास अपडेट वाइस कैप्टन को लेकर भी आई है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अपडेट है, तो फ्रेंड्स वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, जहां अब प्रैक्टिस कैंप के अंदर धीरे धीरे केकेआर के ओवरसीज प्लेयर शामिल होने वाले हैं और आपको बता दें आईपीएल टीमों के अब धीरे धीरे ओवरसीज खिलाड़ी जो अभी इंडिया इंग्लैंड के सीरीज के अलावा है वो भारत पहुंच रहे हैं और एक एक करके वो अपनी अपनी टीमों से जुड़ने वाले हैं। वहीं केकेआर की अगर बात करें तो केकेआर के ओवरसीज खिलाड़ी भी बहुत जल्द अब टीम से जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा केकेआर बहुत ही ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि कौन सा है आपका फेवरेट प्लेयर केकेआर की टीम में से। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दिन भर में केकेआर की टीम की तरफ से क्या बड़ी अपडेट्स बाहर निकल के आती है। पहली अपडेट बाहर निकल के आ रही है गौतम गंभीर को लेकर। दोस्तों गौतम गंभीर के अनुसार केकेआर को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए उनकी गेंदबाजी के ऊपर और लोअर ऑर्डर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ केकेआर के लिए गौतम गंभीर ने एक बड़ी स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि यहाँ केकेआर का जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत ही अच्छा है, मिडिल ऑर्डर भी काफी अच्छा है, बट जो सबसे बड़ी कमजोरी है केकेआर की वो है उनकी गेंदबाजी। इसके अलावा ना सिर्फ गेंदबाजी की उन्होंने दोस्तों यहां पर बुराई की है, बल्कि उन्होंने तारीफ करते हुए ये भी कहा है कि उनको केकेआर टीम में केवल 2 ही ऐसे गेंदबाज हैं जिनके ऊपर पूरा भरोसा है और उन्होंने बताया है कि साल 2021 के अंदर अगर पर्पल कैप केकेआर की टीम से कोई जीत सकता है तो वो 2 खिलाड़ी हैं जो कि है पैट कमिंस और वरुण चक्रवर्ती। इसके अलावा केकेआर को इन 2 खिलाड़ियों के अलावा बॉलिंग के ऊपर काफी मेहनत करने की जरूरत है, तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि केकेआर के अकॉर्डिंग यहां कौन सा प्लेयर पैट कमिंस या फिर वरुण चक्रवर्ती या कोई और पर्पल कैप जीत सकता है। दूसरी न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है शुभमन गिल को लेकर। दोस्तों शुभमन गिल बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रीवियसली ये ओपनिंग किया करते थे। इसके अलावा केकेआर के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने ये भी कहा था कि इनको आने वाले सालों के अंदर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। सब ने कप्तानी का सोचा था बट इनको कप्तानी तो नहीं मिली। इसके बाद ओपनिंग जब ये करने आए तो बहुत स्लो स्टार्ट ये किया करते थे, तो आलोचनाओं के अंदर ये आने लगे, बट अभी रिसेंटली शुभमन गिल ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया है कि यहाँ टीम मुझे मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहती है, इसके अलावा अगर ओपनिंग में भी मौका दे यानी टीम मुझे जो भी रोल देगी मैं उसको बखूबी निभाऊंगा और अब अपनी अप्रोच के अंदर भी चेंज करने वाला हूं। यहां जो गलतियां मैंने साल 2020 के अंदर की वो मैं नहीं दोहराने वाला हूं और एक अटैकिंग अप्रोच के साथ साल 2021 के अंदर यहां पर एंटर करने वाला हूं। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि क्या शुभमन गिल से ओपनिंग करानी चाहिए या क्या उनको मिडिल ऑर्डर के अंदर यहां पर बैटिंग देनी चाहिए। तीसरी न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है वाइस कैप्टन को लेकर। दोस्तों वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो पिछले साल दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ी थी, इसके बाद आयोन मॉर्गन कप्तान बने थे। इसके बाद लगातार न्यूज़ के अंदर था कि दिनेश कार्तिक ही वाइस कैप्टन बनने वाले हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद दोस्तों ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, आंद्रे रसल, शाकिब अल हसन, दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, पैट कमिंस। तो दोस्तों यहाँ पर जो केकेआर मैनेजमेंट है उनका मानना यह है कि अगर कप्तान ओवरसीज है तो यहाँ वाइस कैप्टन इंडियन होना चाहिए, बट केकेआर मैनेजमेंट फिर भी दिनेश कार्तिक को वाइस कैप्टन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है और शुभमन गिल के ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं है। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि केकेआर का वाइस कैप्टन हो तो कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।